हेलो एवरीवन, और आज हम लोग देखेंगे एडवांस पैसिव, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है। जैसे कि हम लोग अभी तक बाई एजेंट के रूप में यूज कर रहे थे, यानी बाई का प्रयोग कर रहे थे। इस बार हम जो है ऐसे वर्ब्स देखेंगे जिनके साथ अलग प्रीपोजिशन यूज होता है। सर, अलग प्रीपोजिशन, जैसे किसी के साथ विद प्रयोग होगा, किसी के साथ टू, किसी के साथ एट का प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रीपोजिशन, ऐसे वर्ब्स को जिनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। आइए देखते हैं एडवांस पैसिव हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे नो। सबसे पहले नो, और इससे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है सर, बहुत बार पूछा है, नो से क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, नो के साथ टू यूज करेंगे। नो के साथ टू, अगर आप इसके साथ बाई एजेंट लिख रहे हैं, यानी बाई यूज कर रहे हैं, तो गलत है सर, बिल्कुल गलत है। प्लीज्ड, प्लीज के साथ विद का प्रयोग होता है। अब प्लीज आपको बता दें, प्लीज तो आप लोग सुने होंगे सर, प्लीज का मतलब होता है कृपया। ठीक है, लेकिन यहाँ कृपया नहीं है सर, यहाँ खुश करना होता है, खुश करना, खुश करना सर। अब प्लीज एक वर्ब होता है जिसका मतलब खुश करना होता है। ठीक है, अब इसी से बना है प्लीजर। प्लीजर नाउन होता है सर, खुशी। प्लीजर जो होता है वो खुशी होता है, इसी से बना हुआ है। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई एक वर्ब होता है जिसका मतलब संतुष्ट करना, इसके साथ भी विद प्रयोग होगा। सरप्राइज्ड, इसके साथ एट प्रयोग होगा। एस्टोनिश्ड, इसका भी मतलब आश्चर्यचकित होता है सर, इसके साथ भी एट का प्रयोग होगा। डिसप्लीज्ड, यानी ये खुश करना, और डिसप्लीज्ड का मतलब ना खुश करना, यानी डिसप्लीज वर्ड है। ठीक है, इसके साथ विद का प्रयोग होगा। डिससैटिस्फाइड, यानी सैटिस्फाइड का विपरीत है, अपोजिट है, डिसप्लीज्ड, डिससैटिस्फाइड है। उसके बाद अमेज्ड है, आश्चर्यचकित को, एस्टोनिस्ड, अमेज्ड और सरप्राइज, ये तीनों एक ही जैसा है, और इसके साथ एड का ही प्रयोग आप करेंगे। तो ये देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका। सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे सी। सी नोज मी, सी नोज मी, है ना फिर? तो यहां इसको इधर लेकर आएंगे तो आई हो जाएगा, आई एम, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई एम हो जाएगा, एक साथ एम यूज करेंगे। उसके बाद नो का थर्ड फॉर्म नॉन होता है, आई एम नॉन टू हर। ये हमारा पैसिव सही है सर। यदि हम यहाँ पे बाई कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, आई एम नॉन, आई एम नॉन बाई हर, एकदम गलत है। और आपके ऑप्शन में जब एयरफोर्स के एग्जाम्स देने जाएंगे तो ऑप्शन में बाई वाला भी होगा, टू वाला भी होगा, विथ वाला भी होगा, मतलब उसको अपने तरीके से बनाएगा ऑप्शन। अगर आप जानते हैं तो कर देंगे आप, ठीक है, और नहीं तो फिर दिक्कत है सर, नहीं कर पाएंगे आप। तो याद रखिएगा, नो अगर वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म नॉन है, फिर भी आप टू यूज करेंगे, बहुत ही आसान है। अगला देखिए, समवन प्लीज्ड मी, किसी ने मुझे खुश कर दिया। ठीक है, तो हो जाएगा आई एम, सॉरी प्लीज्ड है ना, तो आप देखिए यहां पे गड़बड़ है थोड़ी सी, गलती क्या है सर, यहां ये सेकंड फॉर्म है सर, सेकंड फॉर्म, तो यहां हो जाएगा वॉज, आई वॉज प्लीज्ड विथ। अब देखो यहां समवन नहीं दिया है, समवन, समवन क्यों नहीं दिया है, जैसा कि आपको पता है रूल में, समवन, एनीवन, नो वन, एनीबॉडी, नोबॉडी, इनका प्रयोग जो है बाई एजेंट के रूप में नहीं करते, तो यहां पे विथ जरूर लगा देना, आई वॉज प्लीज्ड विथ, और ये हमारा सही आंसर होगा सर। अगला क्वेश्चन है, He satisfied us, उसने हम सबको संतुष्ट कर दिया, satisfied us, ठीक है, तो अब देखिए वी का क्या हो जाएगा, वी का हो जाएगा सर, अस का हो जाएगा वी, अब यहां भी आर दिया है, आर को इसको कैंसिल कर देते हैं सर, यहां पे हो जाएगा वर, क्योंकि ये भी V2 है सर, तो हो जाएगा वी वर सेटिस्फाइड विद ही। अब यहां पे यदि टू दिया है, यदि बाय दिया है, तो ये दोनों गलत है सर, हो जाएगा वी वर सेटिस्फाइड विद हर, विद हिम, हम सब उनसे संतुष्ट थे, वी वर सेटिस्फाइड विद हिम, तो सही आंसर है सर, ये हमारा पैसिव वॉइस, ये सही है। अगला देखिए, हर रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट था ना, सरप्राइज्ड अस, हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया, ठीक है, हम सबको नहीं दिया है, सरप्राइज द टीचर, टीचर को आश्चर्यचकित करता है, ठीक है, तो टीचर भी हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। द टीचर, अब यहां वाज लगा है, द टीचर वाज सरप्राइज्ड विद, गलत है, यहां पे एट होगा, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, हम लोग देख पाएंगे, सरप्राइज है ना, एट लगाना है, ठीक है, सरप्राइज के साथ एट लगेगा, अगर विथ लगा रहे हैं तो गलत है सर, एट जाएगा, ठीक है।
चलिए कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं, कुछ और एग्जांपल। हर सडन डेथ, हर सडन डेथ एस्टोनिस्ड अस, एस्टोनिस्ड यानी आश्चर्यचकित करता है, अस मतलब हम सबको, मतलब उसकी अचानक जो मृत्यु है ना, क्या हो जा रहा है यार, हर सडन डेथ एस्टोनिस्ड अस हम सबको आश्चर्यचकित करता है, जैसा कि आपको बताया है, सरप्राइज्ड हो, एस्टोनिस्ड हो, अमेज्ड हो, ठीक है, इनके साथ एड कंप्लीशन करेंगे तो हो जाएगा वी वर, क्योंकि ये पास्ट में है ना, वी टू है तो पास्ट में है, तो इसके साथ वी वर हो जाएगा, वी वर एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड, ठीक है। अब यहां लिखेंगे एट, यहां पे वी लगाना गलत है सर, एट हर सडन डेथ ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। अब क्या करेंगे, यू के साथ आर कर देंगे, यू आर, अब यहां पे निगेटिव है ना, यू आर नॉट, नॉन का थर्ड फॉर्म, नो का थर्ड फॉर्म नॉन हो जाएगा, यू आर नॉट नॉन टू बी, यहां बाई भी लगाना गलत है। तो ऐसे ही आपको देगा, यानी ये ऐसे इंपोर्टेंट चीज थे जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है, एयरफोर्स के एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे पैसिव वॉइस पूछता है, तो प्लीज आप इसे ध्यान से देखना है, इसे बढ़िया से समझना है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, इसे जरूर रिवाइज आप करिए, अलग सेंटेंसेस बनाइए उस पर, बिल्कुल इस रूल्स को यूज करिए आप, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, अब आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, आई होप, मुझे इतना उम्मीद है कि आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि जैसा मैं समझाया हूँ उतना बिल्कुल ऐसे ही आपके दिमाग में होना चाहिए, आप जरूर एग्जाम्स में सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू।